बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। सबसे पहले आपकी हेडलाइन। पाक श्रीलंका मैच के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 13,000 अहलकार तैनात। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर, स्पेशल ब्रांच के जवानों का सर्च ऑपरेशन। फजाई निगरानी भी की जा रही है। आज़ादी मार्च के ऐलान के बाद मौलाना फजल रहमान के बड़े बड़े दावे, गिरफ्तारी का खौफ भी सताने लगा। कहते हैं इस्लामाबाद में पड़ाव के बाद प्लान बी और सी भी तैयार है, धरना हुकूमत के जाने पर ही खत्म होगा। मौलाना फजल रहमान के आगे खाई पीछे कुआं है, छेड़छाड़ हुई तो मलबा मौलाना पर गिरेगा। शेख रशीद का JUI सरबरा को धरने से बांस रहने का मशवरा। फिरदौस आशिकवान कहती है ओपोजिशन मौलाना के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, धरने को कंधा कोई नहीं देगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले भारतीय बयानिए के हाथों इस्तेमाल होगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा भारत कश्मीरियों की मकामी जदोजहद को इस्लामी दहशतगर्दी करार देने की कोशिश करता है। मैं कश्मीरियों का दर्द समझ सकता हूं, मगर LOC पार करने से भारत को मकबूजा वादी में मजालिम बढ़ाने का बहाना मिलेगा। और मुल्क भर में डेंगू के वार मजीद एक शिकार, कराची के सिविल अस्पताल में जेर इलाज मरीज चल बसा। 25 साल का शहजाद लांडी का रिहायशी था। कराची में रवा साल हलाकतों की तादाद 14 हो गई। मुल्क भर में 21,000 अफराद बीमार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मजीद 170 अफराद अस्पताल में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 72 केस रिपोर्ट।